हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सो आज हम आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो है हमारा केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट काउ है। कल हमने दो चीज़ों का केयर एंड मैनेजमेंट देखा था। एक था न्यू बॉर्न जो काफ था, उसके बारे में पढ़ा था, उसका केयर कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है उसके बर्थ के बाद, वो पढ़ी थी। उसके बाद जो हाइफर होती है, 6 मंथ की जो हाइफर होती है, उसका हमने कैसे केयर मैनेजमेंट करना चाहिए, ये भी पढ़ा था। ठीक है, अभी हम क्या है, हमारे नेक्स्ट कौन सा है कि प्रेग्नेंट काउ जो होती है उसका हमने कैसा केयर करना चाहिए। अभी इसमें क्या होता है ना, प्रेग्नेंट दो टाइप से हो सकती है काउ। ठीक है, एक तो नेचुरली हो सकती है, नहीं तो एक तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा के वो प्रेग्नेंट हो सकती है। अभी ये 1:50 और 1:1000, ये 1:1000 ये क्या रेशियो है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये है बुल का रेशियो और ये है काऊ का रेशियो। ठीक है, और ये है बुल और ये है काऊ। मतलब नेचुरली एक बुल 50 काऊ को, मतलब वो उस ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। एक बुल इज फॉर 50 काउस। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसमें एक बुल 1000 काउ के लिए यूज किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके प्रेग्नेंट करने के लिए। ठीक है, ये चीजें अभी हमने है ना, एक बहुत ही मतलब बेसिक सा बट बहुत कंफ्यूज करने वाला एक क्या पढ़ा था, टर्म पढ़ा था, बुल क्या होता है और बुलक क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें हमको क्या याद रखना है, ये बुल हो गया, ये सिर्फ लॉक याद रखना है। लॉक मतलब क्या होता है, बंद करना ही होता है, कैंसिल करना, बंद करना, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, ये याद रखना है। तो ये बुल मतलब ये है ना, ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। आप यहाँ से भी ये रिलेट कर सकते हो, बुल ब्रीडिंग पर्पस के लिए जो बुल यूज किया जा सकता है, मेल काउ जो होती है वो जो ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है उसको बुल बोलते हैं, और इसको फील्ड वर्क में यूज नहीं किया जाता। बट ये बुलॉक मतलब जो बुल है उनका कैस्ट्रेशन करवाया जाता है, ठीक है, उनका कैस्ट्रेशन करवाया जाता है, उनके टेस्टिस जो होती है वो रिमूव की जाती है, ताकि इनको फील्ड वर्क के लिए यूज किया जा सके, और इनका कॉन्सेंट्रेशन जो पूरा है वो पूरी उनकी हेल्थ अच्छी होने के लिए, वो सब के लिए फील्ड वर्क के लिए प्रॉपरली वो अच्छे से यूज हो, इसलिए हम उनको फिर उसका कैस्ट्रेशन करवा के उसका फिर उसको क्या बोलते हैं, बुल को फिर बुलक बोलते हैं, बुलक बोलने लगते हैं। फिर अभी आपको किसी ने भी पूछा कि फील्ड वर्क में बुल यूज होता है बुलक, आपको क्या बोलना है, बुलक यूज होता है, और जो हम ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं उसको बुल बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद हम कैसे अगर देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया तो ये हुआ कि नहीं, 100% सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, ये हमको कब पता चलेगा, तुरंत बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। हमको 3 मंथ के बाद पता चलेगा, लगभग 90 डेज के बाद पता चलेगा कि ये काऊ प्रेग्नेंट है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद ये जो काऊ है, अभी हमको है ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, हमको अभी पता नहीं है वो काऊ प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर होगी और वो उसको भी पता नहीं होता, अगर वो हो गई प्रेग्नेंट तो मतलब है ना वो कैसे भी जैसे कि इधर चली, मतलब है ना खुद की केयर नहीं करती है, या हम भी ऐसे कि उनके केयर हम नहीं करते कि हमको पता ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, तो उस टाइम क्या हो सकता है ना, उसको भी पता नहीं है वो चीज, तो उसको क्या है ना वो अबॉर्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमको उसको है ना जेंटल ट्रीटमेंट देना है, उसकी केयर करना है अच्छा सा, उसको मतलब जो भी फीड होगा वो देना है। जैसे कि प्रेग्नेंट काउ को हम कौन सी देंगे, प्रोवाइड कॉन्सेंट्रेटेड फीड 3.5 kg पर डे देना है, ग्रीन फॉडर है 25-35 kg ग्रीन फॉडर पर डे देना है, और पैडी स्ट्रॉ देना है 5 kg पैडी स्ट्रॉ देना है, बट ड्राई फॉडर है वो नहीं, पैडी स्ट्रॉ देना है हमें। ठीक है, पैडी स्ट्रॉ देना है। अभी ये हो गया, ये सबसे ज्यादा इनमें है प्रेग्नेंट काउ में, बाकी इसमें न्यू बॉर्न काफ के लिए भी कम है और जो हाइफर होती है उसके लिए भी कम है। ठीक है, और इसमें है ना क्या होता है, आफ्टर कालविंग के बाद जो सर्विस पीरियड होता है कि जो काउ के लिए आराम करने के लिए खुद के लिए टाइम दिया जाता है, वो जनरली 90 डेज का होता है। ठीक है, बट मिनिमम कितना रहना चाहिए, मिनिमम 45-60 डेज होना ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, इतना उसका सर्विस पीरियड जो उसके खुद के लिए टाइम जो दिया जाता है वो उतना होना ही चाहिए। जनरली तो 90 डेज देना ही पड़ता है, बट कम से कम हमें इतना रखना ही पड़ेगा, ये है। ठीक है, अवॉइड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, अवॉइड करना
चाहिए, ठीक है। स्लिपरी कंडीशन जैसे बहुत खराब जगह है वहाँ पे उसको लेके नहीं जाना चाहिए। चीजिंग बाय द डॉग्स, डॉग्स ऐसे उसके पीछे लग जाए, ऐसी कोई मतलब ऐसे ऐसे क्राउड में या ऐसे ऐसे जगह पे उसको लेके नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फाइटिंग बिटवीन प्रेग्नेंट एनिमल, ये चीज भी हो न हो इसलिए हमको केयर करनी है। ये सब चीजें अवॉइड हो इसलिए ताकि उसका अबॉर्शन ना हो, उसका उसका जो बेबी और उसकी हेल्थ अच्छी रहे, इन चीजों के लिए हमको उसकी केयर करनी पड़ती है और ऐसा हमको इसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसके बाद सेपरेट प्रेग्नेंट एनिमल फॉर्म, जो अदर जो एनिमल रहते हैं उनसे हमको इनको क्या करना है, सेपरेट रखना पड़ता है, ठीक है। अदर एनिमल से हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट रखेंगे। यहाँ पे लिख लेते अदर एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट, इन सब चीजों से हमको इसको बचा के रखना है। और इसमें क्या होता है ना, जो प्रेग्नेंट काऊ होती है प्रेग्नेंट काऊ जो होती है इसको और एक चीज है जिससे हमको बचा के रखना है, वो है अगर एक प्रेग्नेंट काऊ है और दूसरी ऐसी कौन सी उस जो शेड है उसमें ऐसी कौन सी प्रेग्नेंट काऊ है जिसका अबॉर्शन हुआ है या उसका बेबी जो होता है वो बर्थ के बाद मर जाता है, ऐसा कुछ होता है ना, तो उस काऊ की खुन्नस इस काऊ पे आ जाती है, वो उसके बच्चे को हार्म करने की, उसको हार्म करने की कोशिश करती है, इसलिए उसको अदर एनिमल्स से दूर रखना चाहिए ताकि वो सब चीजें भी ना हो, ये सारी चीजें ना हो उसके मतलब उसका जो उसके लिए कुछ हार्मफुल ना हो इसलिए। और क्या, और जो है कोई डिसीज एनिमल हो उनसे भी उनको क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें करनी चाहिए हमको केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट काऊ के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि लैक्टेटिंग एनिमल्स जो होते हैं, मतलब जो दूध देते हैं वो एनिमल्स, उनकी केयर कैसी करनी चाहिए। इसमें है ना एक थंब रूल है, इसमें एक थंब रूल क्या है कि अगर है ना, अगर एक काऊ है वो अगर हमको 1 kg मिल्क दे रही है, 1 kg मिल्क अगर वो हमको दे रही है तो हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ 1/2 kg कॉन्सेंट्रेटेड फीड देंगे। वो अगर हमको 2 kg मिल्क दे रही है तो हम उसको 1 kg कॉन्सेंट्रेटेड फीड देंगे। वो हमको अगर 3 kg मिल्क दे रही है तो हम उसको 1.5 kg कॉन्सेंट्रेटेड फीड देंगे। मतलब वो जितना भी मिल्क देगी उससे आधा हम क्या करेंगे, उसको कॉन्सेंट्रेटेड फीड देंगे। ये उसका थंब रूल है ये लैक्टेटिंग एनिमल्स का, ठीक है। इसमें वही बाकी सारी चीजें सेम ही है कि उसकी केयर कैसी करनी चाहिए ये। उसके बाद एक है कि जो अडर में जो मिल्क रेडी होता है ना, ये जो अडर रहता है इसमें जो मिल्क रेडी होता है, मिल्क क्रिएट होता है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन जो अडर होता है, ये पूरा जो अडर होता है इसमें से 25 times ब्लड सर्कुलेट होगा तभी जाके सिर्फ 1 ml मिल्क क्रिएट होता है। आप अभी सोच के देख सकते हो कि कितना टाइम लगता है, 25 times मिल्क जब इस अडर से पास होगा या सर्कुलेट होगा उसके बाद ही 1 ml मिल्क बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ड्यूरिंग पीक यील्ड जब 6 week का हो जाता है तब कैल्शियम डिफिशियंसी आ जाती है और तब हमको कैल्शियम इंट्रावेनल इंजेक्शन देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंक्लीमेंट एनिमल, वही की जो खराब अगर खराब इन्वायरमेंट हो या क्लाइमेट हो तो उनसे हमको बचाना चाहिए। उसके बाद उनको DCP 15%, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट 75%, वीट बार्न देना चाहिए 40%, मिनरल मिक्स करके 1% और सॉल्ट 1%, ये सब चीज़ें उनकी हेल्थ के लिए ताकि उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो और बढ़े, इन सब चीज़ों के लिए ये हमको देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जैसे कि केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क बुलक, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है हमने, वर्क बुलक मतलब ये किस लिए यूज करेंगे, वर्क के लिए यूज करेंगे, फील्ड वर्क के लिए यूज करेंगे, इसलिए हम उसको बुलक बोल रहे हैं, नहीं तो हम ब्रीडिंग पर्पज का होता तो क्या बोलते, बुल बोलते, ठीक है। ये हमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। बहुत ही मतलब आ गया ना कि कंफ्यूजन, अगर अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो 1 mark हाथ से चला जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अवॉइड ओवर वर्किंग, ये जो बुलक रहता है अभी उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि इनसे कितना काम करवाना चाहिए। जैसे कि इंसान का भी एक लिमिट होता है काम करने का, वैसे इनका भी एक लिमिट होता है काम करने का, उनके भी वेट के अनुसार, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार, उनके जो ग्रुप्स पार्ट देते हैं उनके अनुसार इनका क्या होता है, वर्किंग आवर होता है। वर्किंग आवर मतलब इतने घंटे उनसे काम करवाना चाहिए, ये सब चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद लाइट पर्पज ब्रीड जो
जो होते हैं लाइट पर्पस ब्रीड, मतलब वो कितने घंटे के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है, 4 आवर्स के लिए काम कर सकते हैं वो। और हैवी पर्पस ब्रीड मतलब ऐसे दो टाइप के हैं, तो हैवी पर्पस ब्रीड मतलब वो 8 आवर्स के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है, ये दो टाइप है। उसमें प्रोटेक्ट द बुल्स फ्रॉम द रेन इंक्लीमेंट वेदर, वही हुआ कि जो खराब वेदर होगा तो उनको प्रोटेक्ट करना ही है, बुलक को क्या, सभी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। शू द बुलक, शू द बुलक मतलब क्या, अगर ये बुलक है तो बुलक के जो फीट होते हैं ना, जो बुलक के ऐसे ऐसे जो होते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप बताओ, इवन टो हुप बोलते हैं, इसको इवन टो हुप बोलते हैं, ठीक है, इसको है ना ऐसे ऐसे करके शू लगाते हैं, इनको इनके पैर को ऐसे ऐसे जो होते हैं दो शू लगाते हैं वो, उसको बोलते हैं शू, उसको शू बोला जाता है, ताकि उनके पैर में नीचे से कुछ चुभे ना, काटे वाटे या कुछ भी हो चुभे ना, क्योंकि उनको फील्ड वर्क करना है, इसलिए ये शू उनको लगाए जाते हैं, ठीक है। इसमें और एक बात है, शूइंग वर्क, रोड वर्क, रोड वर्क के लिए अगर ये यूज किए जा रहे बुल बुलक बुलक बुल नहीं बुलक जो यूज किए जा रहे रोड वर्क के लिए, तो उनको महीने में एक बार शू करना चाहिए, ये शूइंग उनको हर एक महीने, ऐसे समझ लो तो उनके उनको हर एक महीने जो रोड पे वर्क करते हैं वो वाले बुलक के लिए, उनको हर एक महीने में, हमको हर महीने में उनको नई शू खरीद के देनी है कि भाई पहन ले तू ऐसे करके, ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। और जो फील्ड वर्क के लिए यूज होंगे, क्योंकि रोड वर्क जो होगा वो ज्यादा हार्ड होगा, उनके पैर को ज्यादा हार्म होगा, और जो फील्ड वर्क है वो इतना मतलब हार्ड, जितना जो रोड होता है उतना हार्ड तो नहीं होता है ना फील्ड, तो उनको 2 महीने में एक बार शू हमको लेके देने हैं, मतलब उनको वो शूइंग करनी है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद क्या है ना, इसमें बुलक में सबसे ज्यादा, अगर बुलक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अगर ये बुलक की पैर है, ये बुलक की पैर है, ठीक है, ये बुलक की पैर है, तो ये उनका कांधा है, ठीक है, ये उनका कांधा है, तो हम क्या करते हैं, उसको फील्ड में वर्क के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनके पैर में उनके जो कांधा होता है उस पे ना हम ऐसी लकड़ी डालते हैं, ऐसे लकड़ी जैसा रहता है, फिर ऐसे करके इसको वो कार्ट ज्वाइंट की जाती है, ठीक है ना, ऐसा रहता। तो इनका सबसे ज्यादा बर्डन कौन सी चीज पे आया, ये गर्दन वाली चीज पे आया, और दूसरा कौन सा पार्ट है इनका जो ज्यादा यूज हुआ जाएगा, उनके पैर जो चलते हैं दिन भर उनके लिए, ठीक है, दो चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये, इनको यहाँ पे सबसे ज्यादा भार रहता है उनके, मतलब कितना बड़ा लोड वो कैरी करके ले जाते हैं, और दूसरे है पैर, तो इन चीजों का सबसे ज्यादा केयर एंड मैनेजमेंट करते हैं, मतलब 60-70% ऑफ टाइम अलॉटेड टू द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ लिम्स एंड नेक्स, लिम्स एंड नेक के लिए उनका केयर, लिम्स और नेक, ये ऐसे दो चीजें जो बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा हर चीज उन पे ही डिपेंड होती है, और उनका ही हमें अच्छे से केयर एंड मैनेजमेंट करना चाहिए 60-70%, बाकी 30% में उनका फीड वगैरह आ गया। उसके बाद उसका है ना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनके हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि उनको कितना फीड देना चाहिए, ठीक है। इस चीज में क्या है ना, जो बॉडी वेट जो होता है 30 केजी के ऊपर, सॉरी 300 केजी के ऊपर के ही बुल हम फीड वर्क के लिए यूज किए जा सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद 300 केजी है नॉर्मल वेट, मतलब 4 आर वाला जो है, हमने लाइट पर्पस बोला था, लाइट पर्पस ब्रीड जो वो, तो उसको 2 केजी कॉन्सेंट्रेटेड फीड, और जो हैवी वर्क 8 आवर वर्क करता है उसको 2.5 केजी फीड देना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड वाला। उसके बाद अगर 400 केजी वेट है उस बुल का, तो उसको 2.5 केजी फॉर दी नॉर्मल वेट के लिए, और जो हैवी वर्क करते हैं उनको 3 केजी कॉन्सेंट्रेटेड फीड। उसके बाद 500 केजी बुल जो होता है, 500 केजी का जो बुल होता है उसका वेट 500 केजी का होता है बॉडी वेट, तो उसको 3 केजी देना चाहिए नॉर्मल वर्क वाले के लिए, और जो 8 घंटे वर्क करेगा उसको 3.5 केजी कॉन्सेंट्रेटेड फीड। बाकी उसके साथ ही साथ 25 केजी ग्रीन फॉर्डर भी देना पड़ेगा, और 2-3 केजी ड्राई फॉर्डर भी देना पड़ेगा। अगर ये बुलक फील्ड वर्क के लिए तो यूज होते, इसलिए ये सब है कि इनके ये बॉडी वेट के हिसाब से, और वो कितने घंटे काम करते हैं उनके हिसाब से उनको कितना कॉन्सेंट्रेटेड फीड देना चाहिए, ये सब है। अगर ऐसा बुल है कि वो वर्क नहीं करता है, अभी मतलब वर्क करने लायक हुआ है नहीं है, तो उसको सिर्फ कौन सा हमको देना पड़ेगा कि उसके बॉडी मेंटेन के लिए कितना कॉन्सेंट्रेटेड फीड लगेगा, इतना ही हमको उसको देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना है। तो वो कितना है, 1.5 केजी कॉन्सेंट्रेटेड फीड सिर्फ बॉडी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है।
ये सब चीजें हो गया। आज हमने सभी टाइप के केयरल मैनेजमेंट पढ़ लिया। अभी इसके बाद क्या है ना, हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा, इसके बाद है डिसीज मैनेजमेंट। डिसीज मैनेजमेंट के बाद कुछ थोड़े से जैसे कि स्ट्रेस साइकिल है वो भी पढ़ेंगे, स्ट्रेस साइकिल है और एक दो टॉपिक है वो। उसके बाद हमारा लाइफ स्टॉक का जो सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो कैटल और बफेलो, ये सब हमारी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम आगे वाला नया टॉपिक यूज करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आपको आप पढ़ेंगे ना तो बहुत मस्त इंटरेस्ट भी आएगा। आपको ऐसे लगेगा कि और मैं जान लूँ और मुझे एग्जाम में ऐसा पढ़ना है कि मेरा कुछ छूटे ना, इसलिए ठीक है। अभी जो भी नए स्टूडेंट है जो ये वीडियोस देखते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि ये सब टॉपिक है पूरे इंटरलिंक है, तो आप जब भी देखोगे तो आपको फर्स्ट से देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तभी आपको ज्यादा हेल्प होगी, अच्छे से हेल्प होगी। अगर आप ऐसे है कि बिल्कुल भी फ्रेशर नहीं है, आपके टर्म्स बहुत अच्छे से आपको आती है, तो आप बीच में से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो पूरे फ्रेशर है उनको छोटी छोटी टर्म्स जैसे हमने बुल बुलक ये ऐसे कैस्ट्रेशन क्या होता है ये सब चीजें जो जिनको पता नहीं है तो उनको फ्रेश से ही मतलब फर्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आई होप जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आया होगा। आज एक स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत ही अच्छा सा एक कमेंट किया है कि मैम आप बहुत मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और मैं आपके आगे की वीडियो के लिए वेट कर रहा हूँ, थैंक्स फॉर अप्रिशिएशन। मुझे बहुत अच्छा लगा वो कमेंट पढ़ के, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।